नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट एडिक्टर में। मैं हूं आपके साथ चारू पारिक। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। नहीं, हम यहां T20 वर्ल्ड कप के मैच की बात नहीं कर रहे, बल्कि यहां बात हो रही है इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड यानी कि BCCI और PCB की, जहां BCCI सेक्रेटरी जय शाह ने अगले साल एशिया कप के लिए इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया है। वहीं PCB ने भी इस पर पलटवार किया और ये कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो पाकिस्तान भी अगले साल इंडिया में होने वाले ODI वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इस मुद्दे पर बहस लगातार बरकरार है। वहीं इसी बीच अब इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर का भी ओपिनियन सामने आ गया है। उनका मानना है कि अगले साल वर्ल्ड कप इंडिया में होगा और सभी टीम्स की तरह पाकिस्तान भी इसे खेलने के लिए इंडिया आएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ये BCCI का मैटर है और वो ही इस मामले में कोई स्टेटमेंट देंगे। और इंडिया एक स्पोर्ट्स सुपर पावर है, यहाँ पहले भी कई वर्ल्ड कप हो चुके हैं और अगले साल ODI वर्ल्ड कप भी इंडिया में ही होगा और दुनिया भर की सभी बड़ी टीम्स इसमें हिस्सा भी लेंगी। इतना ही नहीं, इसके आगे भी अनुराग ठाकुर ने कुछ कहा है। उन्होंने बोला कि आप किसी भी गेम में इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया ने सभी गेम्स और खास तौर पर क्रिकेट में काफी कंट्रीब्यूट किया है। अगले साल वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जाएगा और ये काफी ह्यूज होगा। फिलहाल इस मुद्दे पर लगातार लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। फॉर्मर पाक क्रिकेटर यूनिस खान ने इस पर कहा कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आती है तो पाकिस्तान को भी इंडिया के खिलाफ कोई भी मैच नहीं खेलना चाहिए, चाहे वो ICC इवेंट के मैचेस हो या फिर कोई और। इसके अलावा उन्होंने तो ये तक कह दिया कि पाकिस्तान को 23 अक्टूबर को भी इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। वहीं पाक के फॉर्मर विकेटकीपर कामरान अकमल ने भी BCCI के इस फैसले पर नाराजगी दिखाई है। उन्होंने तो BCCI सेक्रेटरी जय शाह को ये तक कह दिया कि वो यहाँ राजनीति ना करें। अकमल ने कहा कि मेरा मानना है जय शाह को बयान देने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने एशिया कप 2022 के दौरान पाकिस्तान भारत मैच में शिरकत की, तो ऐसे में उन्हें अपनी राजनीति को विपक्ष के लिए बचाकर रखना चाहिए, राजनीति को खेलों से दूर रखना चाहिए। कामरान ने आगे कहा कि एशिया कप 2023 का आयोजन सिर्फ पाकिस्तान में होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कोई भी मैच नहीं खेलना चाहिए। इसके अलावा भी पाकिस्तान की तरफ से इस मसले पर लगातार विरोध जताया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग इसे लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ इंडियन फैंस भी BCCI के इस फैसले से बहुत खुश नहीं लग रहे। वहीं कुछ का मानना है कि ये बिल्कुल सही डिसीजन है। ऐसे में आगे देखना होगा कि ये मामला क्या मोड़ लेता है। फिलहाल आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है, कॉमेंट में हमें बताना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।